यू कैन नॉट कम इन बिटवीन मी, यू कैन नॉट कम, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ लाइन, करो मत करो इंग्लिश, डोंट ट्राई टू क्रिएट, सर आप इनको वोट के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वोट तो मेरा हक है, अभी सोच भी नहीं सकते हैं वोट क्यों, कितने साल का है भाई, कितने साल का है, क्या उम्र है आपकी? 18 साल से ऊपर हिंदुस्तान का कानून इजाजत देता है इसको वोट करने, बड़े अलग बात है, आप मत आप उसके उस चीज में पढ़िए प्लीज, नहीं नहीं आप बात सुनिए, आप इनको इस चीज पे मत उकसाइए वोटिंग के लिए, आप इनको खेल कूद के पर उकसाइए, उस पर आप मैं क्यों उकसाऊंगा इनको, आप क्यों, तो फिर आप वोट, व्हाई यू आर एलिगेटिंग मी लाइक, कैसे मेरा पुलिस का प्रोग्राम है, आप पुलिस वालों से प्रोग्राम बकवास कर रहे हैं, एचओ साहब आप देखिए वोटिंग वोटिंग का वोट बांट रहे हैं, कौन बांट रहा है वोट, मैं वोट बांट रहा हूँ, वोट बांट रहा हूँ आप लोगों में, एक सेकंड आप सुनो, गांव वाले यहाँ पे डोंट ट्राई टू एलिगेट दिस, बात सुनो मेरी, डोंट ट्राई, बात सुनो, मैं आपको जानता भी नहीं, हुआ नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, क्यों निकलोगे भाई, बात कर रहे हो, ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रकस, वोट की बात कर रहे हो यहाँ इन जवानों को, वोट मत बताओ इनको, इनको बोलो खेलो जनाब, खेल कूद में आप मदद करो, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, आप पहले बात सुन रहा हूँ, आप उनके वोट के लिए मैं इनको ये बात बोल रहा हूँ, सुनो, क्योंकि कोई गलत एक्टिविटी करेगा आप भी बैठे गलत बात करेगा, नहीं मैं सही बात कर रहा हूँ, आपने मेरे सामने इनको बोला वोट वोट में माता भी आप क्या करेंगे, 18 साल का मेरा हक है, यू कैन नॉट कम इन बिटवीन मी, यू कैन नॉट कम, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ लाइन, करो मत करो इंग्लिश, डोंट ट्राई टू क्रिएट, बकवास करते हो, वोट मांग रहे हो, इधर रूफ सर कर रहे हो, नहीं है बदतमीज इंसान, नहीं नहीं सर, भूखे में रहता हूँ सर, यहाँ पे आएगा कैमरा ऑन है, वीडियो नहीं नहीं सर, कैमरा ऑन है, वो गांव वाले देखो सर, वोट के लिए वोट मांग रहे सर, जाना आई वांट टू स्टैंड मैं तुझे बताता हूँ, मैं नहीं, इन्होंने माहौल यहाँ पे खराब किया, आप लोगों को हमने यहाँ पे ऐसे आनंद बुलाया, नहीं 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 मैं तुझे बताता हूँ, अरे मैं तुम्हें सिखाता हूँ अभी, आई टीच यू अ लेसन राइट नाउ, नहीं नहीं एनसी का है ना, एनसी का कुत्ता है, निकाल दीजिए इसको, सुबह कौन है, कुत्ता भी था वो, उठाओ सर, सर पूरा वीडियो, पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, मैं चीफ गेस्ट आया था वाकुरा ग्राउंड में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीडीसी मेंबर अशरफ, ही ट्राइड टू किल्ड मी, ही ट्राइड टू स्लैप मी, फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस अशरफ, ही शुड बी बुक्ड अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, मैं यहाँ के एसएचओ को बोल रहा हूँ एफआईआर लॉन्च करे, अगर इन लोगों ने एफआईआर लॉन्च नहीं किया यहाँ पे, मैं पूरी पुलिस फोर्स बुलाऊंगा, एंड वी स्टैंड ये देखो, वी स्टैंड विद यू, क्या किया इधर 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 इसको बोलो, इधर इसको रिकॉर्ड बोलो, दिस इज नॉट अ वे टू ट्रीट एनीवन, ये दोनों आए थे यहाँ पे, हमने उनको एज मेहमान बुलाया था, ही स्लैप्ड हिम सबके सामने, दिस इज नॉट अ वे, अब चाहते हैं अभी ऐसे जो साहब यहाँ, हम चाहते हैं अभी कि वो जो जिसने स्लैप किया वो यहाँ से तुरंत निकले और उस पर एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट, फारूक अब्दुल्ला आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट, ये देखो, द पीपल ऑफ कश्मीर विल नेवर टॉलरेट दिस थिंग, तुम लोगों ने चोर चोरी कर करके ये काम किया, आप सभी लोगों को, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम जिब्रान डार है, और लोगों का काम करना शायद गुनाह है, लोगों की मदद करना शायद गुनाह है, लोग प्यार से बुलाते हैं मैच की इनॉग्रेशन में या मैच का हिस्सेदार बनने के लिए, तो शायद वो अब गुनाह है, क्या आप जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात पे बात करेगी, क्या हर किसी बच्चे पे इस तरह से अटैक होगा, पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये अटैक करने वाला बंदा डीडीसी वाकुरा अशरफ बिलोंग्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट फ्रॉम इश्फाक जब्बार्स पार्टी, हु वॉज एन एक्स डीडीसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां पे इन लोगों ने बोला कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीडीसी मेंबर है, और ये बात मीडिया में आ गई तो आई रियली अपोलोजाइज दैट कि ये चीज नहीं आनी चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात ये बंदा पुलिस को कह के नहीं आया था वहां पे, तो ही वॉज कॉन्स्पिराइजिंग समथिंग, मैं गांधरबल की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिस तरह से वो मुझे बार बार बुलाते हैं, मैच में बुलाते हैं, शॉप्स की इनॉग्रेशन के लिए बुलाते हैं, तो क्या गुनाह किया मैंने,
मुझे बताइए क्या गुनाह किया? अगर एक डीडीसी मेंबर अपनी सिक्योरिटी का नाजायज फायदा उठा के मुझ पे हमला कर सकता है, वो कल को मेरे घर पे भी हमला कर सकता है। मैं गांदरबल पुलिस को प्रोग्राम देके गया था, मैं कोई हवा में नहीं गया था। मेरी डीएसपी साहब से भी बात हुई थी, एसओ साहब से भी बात हुई थी, वहां पे थाने की पुलिस भी थी और मेरा खुद का पीएसओ जो था वो भी वहां पे था, और उसके बीच में उन लोगों ने सिक्योरिटी ब्रीच करके मुझे थप्पड़ मारा। जिब्रान डार थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे सकता था, लेकिन फिर फर्क क्या रही एक अनपढ़ लीडर में एक पढ़े लिखे लीडर में? आई एम अ वेल एजुकेटेड लीडर, आई एम नॉट इन इलिटरेट पर्सन। मैं अगर ऐसा करता तो मैं यूथ को मिस रिप्रेजेंट करता। ये थप्पड़ आप बताइए क्यों डरूं मैं इन लोगों से?